दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का गरीब नवाज दवाखाने में। आज की जो मैं वीडियो बनाई है वो चेहरे को लेके मैंने बनाई है। मेरे पास बहुत से लोगों के जो हैं वो फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों की मेरे पास मेल आई है, तो जिसमें चेहरे को लेके भी मैंने देखा बहुत लोग परेशान हैं। तो उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए मैंने जो है आज ये एक क्रीम आपको जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो क्रीम है ये एक टेस्टेड क्रीम है जो कि पिछले कई सालों से हम लोग अपने दवाखाने में चला रहे हैं, और इस क्रीम का माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। एक तो इसमें किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है, बहुत ही नेचुरल वे में प्राकृतिक तरीके से ये क्रीम बनी हुई है, और इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर है। मतलब जितने भी पेशेंट्स को हम लोगों ने पिछले कई सालों में इसको दी है, आप यकीन नहीं मानेंगे 95% लोगों को बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया है। आइए इस क्रीम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये क्रीम ज्यादातर उन लोगों को दी जाती है जिनको झाइयों की प्रॉब्लम होती है, चेहरे पे कालापन, काले धब्बे जिनके जो हैं वो आ जाते हैं। ये उन लोगों में भी बहुत कारगर साबित होती है जिनको जो है पिंपल्स कील मुहासे चल रहे होते हैं उम्र के साथ, और कील मुहासों के बाद उसके निशान छूट जाते हैं। बहुत से लोगों को जो है कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं चेहरे से संबंधित जो ठीक तो हो जाती हैं लेकिन उसके निशान रह जाते हैं। बहुत लोगों को महीन रेखाएं हो जाती हैं आंखों के आसपास, बहुत लोगों को काले गड्ढे हो जाते हैं आंखों के नीचे की तरफ, बहुत लोगों की जो स्किन होती है वो डेड हो जाती है, एकदम स्किन में चमक खत्म हो जाती है। तो ऐसी जितनी भी समस्याएं हम लोगों ने पिछले कई सालों में देखी हैं और उनको ध्यान में देते हुए हम लोग उनको इंटरनल कुछ मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होता है जो ऊपरी तौर पे जो क्रीम लगाई जाती है, ये क्रीम हमने देखा है एलोपैथी मेडिसिन की तुलना में ये बहुत ही बेहतरीन क्रीम है, क्योंकि उन मेडिसिन में साइड इफेक्ट होने का डर रहता है, उसमें कभी जलन हो गई, खुजली हो गई, चेहरे पे लालिमा आ गई, इस तरह की समस्याएं उसमें रहती है, लेकिन इस क्रीम में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। मैं आपको इसका थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या डाला हुआ है, इसका फार्मूला क्या है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें जो है रोज डेमेस्कस डाला हुआ है। सबसे पहले रोज डेमेस्कस का मतलब होता है कि ये जो है ये गुलाबी रंग के गुलाब से बना हुआ है जिससे गुलाब जल बनता है। तो ये आपके चेहरे में जो टिश्यूज डेड हो जाते हैं उन टिश्यूज को रीएक्टिवेट करता है, उनको रीजनरेट करता है, चेहरे पे ग्लो लेकर आता है, चेहरे पे चमक लेकर आता है। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि इसमें गुलाब जल डाला हुआ है। इसमें अगली चीज है सेपिया और सल्फर। ये आपको मैं बता दूं, अगर आप कभी भी मार्केट में किसी भी अच्छे होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको कोई भी अगर मेडिसिन देंगे तो उसमें सेपिया और सल्फर जरूर होगा। अगर आप गूगल करके भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेपिया और सल्फर दो एक ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथी के अंदर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है कि सबसे पहले जो प्राथमिक दवा दी जाती है वो सेपिया और सल्फर ही होती है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो चेहरे पे कितने भी जिद्दी अगर दाग या धब्बे चेहरे पे आपके रह गए और बरसों पुराने हैं उनको भी ये साफ कर देता है। ये इतनी अच्छी मेडिसिन है, ये केमिकल सॉल्ट होता है, लेकिन होम्योपैथी में सबसे ज्यादा सेफ मेडिसिन में सेपिया और सल्फर ही सबसे पहले पाई जाती है। आप चाहें तो मार्केट में जाके किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर की दुकान पे आप जाके देखेंगे तो उसके पास चेहरे की जो भी क्रीम होगी उसमें सेपिया और सल्फर होगा। और सेपिया और सल्फर जो है ये मदर टिंचर के रूप में भी होता है, मतलब लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, जो कि हम लोग भी जो है पेशेंट्स को देते हैं ताकि अंदर से भी जो है वो शरीर में अगर कोई विषैले तत्व है तो वो साफ हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन दवा है सेपिया और सल्फर। दूसरा इसमें सिट्रस लेमन होता है। सिट्रस लेमन का मतलब होता है जिसे हम लोग जो है वो नींबू भी कहते हैं। नींबू आपको पता है आज से नहीं बरसों से जब से हम लोग देख रहे हैं चेहरे के जिद्दी दागों को साफ करने के लिए, इनफैक्ट हम लोग जो है धुलाई में भी अगर कोई कहीं पर दाग धब्बे रह जाते हैं नींबू का इस्तेमाल करते हैं। नींबू जो होता है वो टिश्यूज के अंदर, क्योंकि ये जो समस्या होती है ये चेहरे के ऊपरी लेयर के ऊपर समस्या होती है, चेहरे के अंदर ये दाग धब्बे नहीं होते। चेहरे में जो स्किन होती है उसमें कई लेयर्स होती हैं, तो ऊपरी लेयर के ऊपर ये सारे दाग धब्बे होते हैं। तो ऊपरी लेयर को साफ करने के लिए सिट्रस लेमन जो होता है वो बहुत कारगर
रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगला है मेलिया, इसके अंदर मेलिया होता है मेथी। मेथी जो है हमारा यूनानी के अंदर भी जो है बहुत ही अच्छा जो है उसे इस्तेमाल किया गया चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए। इसमें सिट्रस ऑरेटियम है, सिट्रस ऑरेटियम होता है ये संतरा होता है, खट्टे वाला संतरा। जब नींबू और खट्टे वाले संतरा का जो रस होता है अगर उसको दोनों को मिला के लगाया जाए तो जितने भी पुराने से पुराने दाग धब्बे होंगे वो साफ हो जाते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा जो है वो फार्मूला बना हुआ है। इसमें पेट्रोलियम जेली है, पेट्रोलियम जेली आपको पता ही है ये जो है चेहरे में नमी लाने के लिए, जो चेहरा खुश्क हो जाता है क्योंकि जब आप दवाई लगाते हैं चेहरे में खुश्की आ जाती है, तो ये उसमें नमी प्रदान करता है ताकि जो आपने नींबू लगाया है और आपने संतरे का लगाया है, मेथी दाना लगाया है, इससे जो थोड़ी बहुत खुश्की जो आएगी उस खुश्की को खत्म करने के लिए पेट्रोलियम जेली इसमें डाली गई है, ताकि पेट्रोलियम जेली और जो गुलाब जल मैंने आपको शुरू में बताया था वो चेहरे पे रौनक, रंगत और रिफ्रेशमेंट, ताजगी लेकर आएगा और बाकी जितना भी इसमें फार्मूला है वो चेहरे से दाग धब्बों को हटाएगा। तो चेहरे में आप पहले दिन से देखेंगे कि ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी सेवन का तरीका बता देता हूं। इसमें एक वैसे लीफलेट निकलेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो इसमें जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें सब कुछ दे रखा होगा। ये किसी भी तरह का अगर आपके चेहरे पे पुराने से पुराना अगर उसमें कोई वायरस की प्रॉब्लम रही है, बैक्टीरिया की, फंगी की, प्रोटोजोआ की, तो इस तरह की सारी समस्याओं को ये ठीक कर देगा। ये शिवालिक फार्मास्यूटिकल्स का बनाया हुआ है जो कि बादशाही मस्जिद के सामने खलमपुरा जगह है यूपी के अंदर, वहां की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। ये दवाई आपको पूरे हिंदुस्तान में आराम से मिल जाएगी, बहुत कंपनी बहुत वेबसाइट इस दवाई को बेच रही है, तो इसको ढूंढने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी कीमत भी बहुत कम है, 110 रुपए। बाकी ये है कि मैं कंपनी में बात करूंगा, अगर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके फायदे के लिए ये क्रीम अगर मैं कम से कम रेट में आपको प्रोवाइड करा पाया तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊं 100 रुपए से भी कम रेट में। अब देखिए जो ये क्रीम है इसमें जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके चेहरे पे किसी तरह की पुरानी से पुरानी एलर्जी है, आपके चेहरे पे काले धब्बों के निशान छूट गए हैं, कोई फंगस स्पॉट्स रह गया है, चेहरा सूखा पड़ गया है, कोई चेहरे पे काली झाइयां आ गई हैं फंगस की वजह से, तो उस तरह की किसी भी समस्या में ये निजात दिलाएगा। इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो रहेगा कि किसी भी साबुन से आप इसको चेहरे को धो सकते हैं और चेहरे को धोने के बाद जो है आप इस क्रीम को पहले 10 मिनट दीजिए, मैं इसे रख भी देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जो जो मैं बोल रहा हूं वो आप इसे देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो जो है इसे आपको 5 या 10 मिनट आप लगाइएगा, पहले चेहरे को धोइए किसी भी अच्छे साबुन से, आप किसी अच्छे फेस वॉश से धोइए और धोने के बाद जो है आप वो क्रीम को लगाइए, पहले 10 मिनट लगाइए, उसके बाद फिर आधा घंटा लगाइए, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, इस तरह से उसकी समय सीमा आप बढ़ाते जाइए। और पहले आप इसको दिन में लगाइए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब आपको सूट करने लग जाए तो आप दिन में भी लगा सकते हैं और रात को सोते समय भी आप इसको लगा सकते हैं, और सुबह साफ पानी से आप चेहरे को धो लीजिए। इसमें किसी भी तरह का, जैसे हमने बताया, हमने जितने भी पेशेंट्स पे से टेस्ट करा है 95% पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, पुराने से पुराने जो दाग धब्बे हैं वो भी लोगों के चले गए हैं। तो ये क्रीम वाकई में बहुत सेफ क्रीम है क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर जो है वो यूनानी के साथ साथ जो है वो होम्योपैथी का बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब जो है ये जो क्रीम है, ये क्रीम का फायदा ये है कि ये क्रीम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, किसी भी आयु का व्यक्ति इसे लगा सकता है और कितने भी पुराने जो चेहरे के निशान हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, रिजल्ट इसका बेहतरीन मिलेगा। आप इसको एक बार लगा के देखिए, इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आपको बहुत फायदा महसूस होगा और इतनी कम कीमत के अंदर जो है आपको इतना रिजल्ट मिल जाए ये बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। तो ये आज का जो जाहिर सफा थी इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है इसके अलावा और कोई भी आप प्रश्न आपका नहीं बचेगा, आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये दवाई के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल आपको अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़, शफ़ा ख्याल।